कचरे का पहाड़ बन चुके सुकली कंपोस्ट डिपो सहित अकोली कंपोस्ट डिपो के वीराने को खत्म करने हेतु प्रशासन द्वारा वहां पर ग्रीन स्पेस का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत दोनों कंपोस्ट डिपो के परिसर में बगीचे व क्रीडांगन तैयार करने सरकार ने अपनी मान्यता दी है। साथ ही महानगर पालिका द्वारा वहां पर घन कचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र एवं मल निस्सारण प्रक्रिया केंद्र भी शुरू किए जा सकेंगे। बता दें कि विगत 5 जून को पर्यावरण दिवस पर राज्य के नगर विकास विभाग ने मनपा नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में जमा करके रखे हुए पुराने कचरे व बायोमाइनिंग प्रक्रिया करने के बाद दोबारा प्राप्त होने वाली जगह पर ग्रीन स्पेस तैयार करने का आदेश जारी किया है, जिसके चलते अमरावती मनपा प्रशासन को सुकली कंपोस्ट डिपो के प्रमुख तौर पर ग्रीन स्पेस की संकल्पना पर अमल करना होगा। ज्ञात रहे कि सुकली कंपोस्ट डिपो में जमा रहने वाले पुराने कचरे पर विगत 1 साल से बायोमाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूर्ण होने पर वहां पर कई वर्षों से लगे रहने वाले बड़े बड़े पहाड़ नुमा कचरे के ढेर भी खत्म हो जाएंगे और कचरे के नीचे दबी रहने वाली जमीन दोबारा उपयोग में लाने हेतु उपलब्ध होगी। ऐसे में इस जमीन को पर्यावरण पूरक बनाने और वहां के वीराने को खत्म करने के उद्देश्य को सामने रखते हुए वहां पर ग्रीन स्पेस तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। राज्य शासन के माजी वसुंधरा अभियान में अमरावती मनपा को 2 करोड़ रुपए का अवार्ड प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार संभाग स्तर पर अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय और जिला परिषद ने बाजी मारी। पालिका और नगर पंचायत श्रेणी में संभाग ने बुल्ढाना में 1.5 करोड़ का अवार्ड जीता है। बता दें कि अमृत शहर और अन्य मापदंडों पर आधारित वसुंधरा पुरस्कार का वितरण गत सोमवार को पर्यावरण दिवस के मौके पर मुंबई में किया गया। मनपा की शालाओं में पढ़ने वाले 7,082 विद्यार्थियों को 2 गणवेश देने की घोषणा मंत्री स्तर पर की गई है। इससे पहले समग्र शिक्षा अभियान के गणवेश के लिए निधि पहुंच गई है। शासन की तरफ से मिलने वाले दूसरे गणवेश का प्रश्न अभी हल नहीं हुआ है। इस कारण शाला शुरू होने के बाद अनेक दिनों तक विद्यार्थियों को एक ही गणवेश में शाला में आना पड़ेगा। गणवेश खरीदी का अधिकार शाला व्यवस्थापन समिति को ही दिया गया है। मानसून के मुहाने पर मनपा क्षेत्र में आने वाले बडनेरा शहर में चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है। नालियां लबालब और हर प्रभागों में कचरे के ढेर रहने से मच्छरों का प्रकोप है। हाल ही में बडनेरा शहर नई बस्ती परिसर में 2 डेंगू के मरीज पाए जाने से खलबली मच गई है। सफाई का अभाव और मनपा द्वारा फोगिंग व दवाई का छिड़काव न करने से मच्छरों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी में नागरिक परेशान हो गए हैं। ऐसे में बढ़ती गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियां फैलने का डर भी नागरिकों में है। नांदगांव पेट MIDC के टेक्सटाइल पार्क में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने उपलक्ष्य भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान अंतर्गत परसों 9 जून को दोपहर 4 बजे विकासार्थ तीर्थ औद्योगिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के कनकवली के विधायक नितेश राणे और दिग्गज पार्टी नेता उपस्थित रहेंगे। समारोह में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक और पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, विधायक सर्वश्री प्रताप अड़सड़, नितेश राणे, संजय केलकर, जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर की उपस्थिति रहेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और लोगों से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थिति की अपील भाजपा कामगार आघाड़ी जिलाध्यक्ष सत्यजीत राठौड़ और उद्योग आघाड़ी जिलाध्यक्ष जयराज बजाज ने किया है। हरिना फाउंडेशन ने आगामी 10 जून को विश्व नेत्रदान प्रचार दिवस पर पाउले चालती उजेडाची वाट पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें जिले के कर्णधार राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, जगदीश गुप्ता, पूर्व सांसद अनंत गुड़े भी सांकेतिक वेशभूषा में नेत्रहीनों के समान पदयात्रा में सहभागी होंगे। यह जानकारी आज दोपहर में आयोजित पत्र वार्ता में हरिना फाउंडेशन पदाधिकारियों ने दी। इस बार आयोजन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट RB अटल है, वही मनीष सावला संयोजक बने हैं। शहर में मंगलवार 6 जून को दोपहर अचानक आसमान में घने बादल छा गए, पश्चात तेज हवाओं के साथ कुछ देर जोरदार बारिश हुई। बारिश से कोई नुकसान होने के समाचार नहीं है, लेकिन मेलघाट के सुसरदा ग्राम में एक घना पेड़ गिरने से चपेट में आए 55 वर्षीय सुरेश बाटू काजदेकर नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कुछ समय के लिए हुई इस बारिश के कारण नागरिकों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अब मौसम विभाग ने 7 से 9 जून तक मौसम खुला रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
मौसम विज्ञानी प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बंड ने अमरावती और विदर्भ को लेकर संभावना जताई कि अगले 2-3 दिन अनेक स्थानों पर प्री मानसून शावर आ सकते हैं। उसी प्रकार 10 और 11 जून को भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। प्राध्यापक बंड ने बताया कि अरब सागर में आया चक्रवाती तूफान और तीव्र हो गया है, वह उत्तरी दिशा में बढ़ रहा है, जिससे कल परसों 100 से 125 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वही मानसून के अगले 2 दिनों में केरल पहुंचने की संभावना प्राध्यापक बंड ने व्यक्त की है। आगामी 18 जून को स्थानीय वालकट कंपाउंड परिसर स्थित धर्मदाय कॉटन फंड में राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सत्कार करने के साथ उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर प्रावीण्यता सूची में स्थान बनाने वाले राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ ही सीए परीक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले समाज के युवाओं का भावपूर्ण सत्कार किया जाएगा। आगामी 18 जून को आयोजित होने जा रहे इस सत्कार समारोह की रूपरेखा तय करने हेतु कल मंगलवार 6 जून की शाम रायलिस प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में नियोजन पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पिछली सभा का अहवाल वाचन करते हुए उसे मंजूरी देने के साथ ही राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सत्कार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार विमर्श किया गया। स्वर्गीय श्रीमती श्रावणी बाई सुगनचंद जी अग्रवाल नरेडी तथा स्वर्गीय धनराज रामेश्वर जी खंडेलवाल की स्मृति में आयोजित होने वाले इस सत्कार समारोह के आयोजन को सफल बनाने हेतु संयोजन समिति गठित की गई, जिसमें संयोजक पद पर अमरावती रक्तदान समिति के सक्रिय कार्यकर्ता श्याम शर्मा तथा सह संयोजक पद पर संजय मुनोद, हुकुमचंद जी खंडेलवाल, शांतिलाल कलंत्री, सारिका पसारी व नीता काबरा की नियुक्ति की गई। इस नियोजन पूर्व बैठक में संचालन एवं आभार प्रदर्शन राजस्थानी हितकारक मंडल के सचिव रामेश्वर गग्गर द्वारा किया गया। ये बच्चों का हम कार्यक्रम ले रहे हैं, बच्चों का कार्यक्रम लेते समय बच्चों को प्रोत्साहन मिलता, परिवारों को बढ़ावा मिलता, समाज के प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद परिवार और बच्चों में जो खुशी होती है वो खुशी कहीं नहीं मिलती। दूसरा, हम बाहर के अतिथियों को बुलाकर हमारा गेट टूगेदर उसकी उसी खबर बनती, सब अखबारों में छपती। इसलिए वन भोजन के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं हूँ, बाकी सभा जो निर्णय लेगी वो अंतिम रहेगा। स्थानीय मार्डी रोड स्थित कॉलेज ऑफ एनिमेशन बायो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में निर्मित विजय राउत कला दालन का आगामी शुक्रवार 9 जून की शाम 5 बजे समारोह पूर्वक लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर विजय दर्डा के हाथों इस कला दालन का शुभारंभ करने के साथ ही प्राध्यापक विजय राउत की मुंबई स्थित जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हो चुके चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस आशय की जानकारी कॉलेज ऑफ एनिमेशन बायो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के प्राचार्य तथा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष एवं ख्यातनाम चित्रकार प्राध्यापक विजय राउत द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्र वार्ता में दी गई। श्री माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत महिला मंडल द्वारा आयोजित नानीबाई का मायरा त्रिदिवसीय सुंदर भक्तिपूर्ण कथा के तीसरे तथा अंतिम दिन बुधवार को बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में धनराज लाइन स्थित श्री माहेश्वरी भवन में जब मायरा भरने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं रुक्मिणी को लेकर पहुंचने का प्रसंग बताया गया, भगवान द्वारा लाई गई नानाविध सामग्री का बखान पूज्य कथा प्रवक्ता ने किया। हर कोई सुनकर और देखकर दत्त चित्त हो गया था। महिला भाविकों की आंखें छलछला गई थी। ऐसे ही सजीव झांकियों ने उपस्थित सैकड़ों भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पूज्य कथा प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री सुंदर और संगीतमय विवेचन कर रहे हैं। कथा की प्रमुख यजमान श्रीमती उषा विवेक, रमेश चंद्र करवा, सीमा सतीश सरडा, यवतमाल और अमरावती के जुगल किशोर गट्टानी है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुत्र तथा ठाणे के संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से जिले के शिवसेना पदाधिकारियों ने मुंबई में मुलाकात की। शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात के दौरान सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ अमरावती जिले के सामान्य अस्पताल की समस्या को लेकर बातचीत करने के साथ ही अमरावती शहर सहित जिले के लिए नगर विकास निधि व स्वेच्छा निधि मिलने के संदर्भ में भी निवेदन किया गया। इसके अलावा अमरावती शहर व जिले के विभिन्न विकास कामों के बारे में भी चर्चा की गई।
हाल ही में फूड एंड ड्रग विभाग FSSI के ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर गणेश पार्लीकर ने अमरावती पहुंचकर अपना पदभार स्वीकार किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन MCPDF तथा कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन CPDA के पदाधिकारियों ने नियुक्त ज्वाइंट कमिश्नर गणेश पार्लीकर का भावपूर्ण स्वागत किया। सामाजिक कामों में हमेशा ही अग्रसर रहने वाले सुश आश्रा फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का औचित्य साधते हुए कल मंगलवार 6 जून को स्थानीय अंबिकानगर स्थित मनपा शाला क्रमांक 16 में विभिन्न प्रजातियों के 101 पौधों को रोपा गया। साथ ही पूरे साल भर इन पौधों के संवर्धन की ओर ध्यान देने का संकल्प भी किया गया। सुश आश्रा फाउंडेशन की अध्यक्षा निशि चौबे की संकल्पना से आयोजित इस कार्यक्रम में हमने यह ठाना है घर घर पेड़ लगाना है का ब्रीद वाक्य घोषित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण संवर्धन एवं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने का संकल्प दोहराया है। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ की महत्वपूर्ण रैली वित्त व लेखा समिति पर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रेणी बोथरा का चयन किया गया। मंगलवार 6 जून को कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद एवले की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यवस्थापन परिषद की सभा में महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कानून 2016 के प्रावधान के तहत विद्यापीठ के वित्त व लेखा समिति पर श्रेणी बोथरा का निर्विरोध चयन किया गया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद ब्रांडेड हुए पति के दुख में रहते हुए भी उसकी पत्नी और रिश्तेदारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस मानवता वाले निर्णय के कारण अमरावती के युवक का मंगलवार को नागपुर में अवयवदान हुआ। 3 लोगों को जीवनदान तथा 2 को दृष्टि मिली। बडनेरा शहर के आठोडी बाजार नई बस्ती में सोमवार साप्ताहिक बाजार में दोपहिया वाहन और मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है। इसके बावजूद बडनेरा पुलिस के द्वारा अब तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया। इस सप्ताह बाजार में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए नागरिकों में तीव्र रोष व्याप्त है। मुंबई के गर्ल्स हॉस्टल में एक ऐसी डरा देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक 18 साल की छात्रा का रेप हुआ। रेप के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। छात्रा के रेप और हत्या का शक हॉस्टल के गार्ड पर है क्योंकि घटना के बाद से वह फरार था। हालांकि गार्ड का शव भी पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर बरामद किया है। मामला दक्षिण मुंबई का है। इस मामले में एक और हैरान कर देने वाला तथ्य है कि यह हॉस्टल कोई प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी छात्रावास था। चौथी मंजिल के कमरे में रह रही 18 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि मामले में संदिग्ध प्रकाश कनौजिया ने आत्महत्या कर ली है। प्रकाश हॉस्टल में एक सुरक्षा गार्ड और धोबी का काम करता था। पुलिस ने बताया कि प्रकाश का शव चरनी रोड स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पाया गया और उसके पिता ने उसकी पहचान की। CCTV फुटेज में कनौजिया को आखिरी बार सुबह 5:45 हॉस्टल से निकलते हुए देखा गया था। माता पिता की इकलौती संतान वह छात्रा थी। अकोला में रहने वाली यह लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह बांद्रा के पॉलिटेक्निकल में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंडे ने कहा कि स्थानीय पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बीती शाम 6 बजे के आसपास कठोरा मार्ग पर सोयाबीन बेचने के बाद अपनी दुपहिया से अपने गांव की ओर लौट रहे सज्जू शब्बीर खान सौदागर नामक किसान के साथ पहले एक हादसा घटित हुआ, जिसके बाद सड़क किनारे झोपड़ियों में रहने वाले कुछ लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए उससे 2,71,000 रुपए की नगद रकम के साथ ही 25 ग्राम सोने की चेन व अंगूठी छीन ली। इस वारदात की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस ने तुरंत मामले की जाँच शुरू की। वह इस घटना से संबंधित वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गाड़गेनगर थाना अंतर्गत कैंप रोड की परंजापे कॉलोनी में बड़ी चोरी की घटना उजागर हुई। अज्ञात तत्व लगभग 18 लाख मूल्य व 308 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण चुरा ले गए। हालांकि पुलिस रिपोर्ट में चोरी गए जेवर की कीमत 6,10,000 बताई गई है। तथापि गाड़गेनगर पुलिस मंगलवार रात से सरगर्मी से अज्ञात चोरों की खोजबीन में जुटी है। वरुट के पास ही टेम्बूरखेड़ा रास्ते पर स्थित विजयनगर में रहने वाला बैतुले परिवार विवाह समारोह में घर पर ताला लगाकर नागपुर गया हुआ था। जहां से वापस लौटते पर बैतुले परिवार के सदस्यों को घर का ताला टूटा दिखाई दिया। साथ ही घर के भीतर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। घर में कोई न रहने का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 15,000 रुपए नगद तथा 51,000 रुपए मूल्य के सोने के गहने ऐसे कुल 66,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। वरुड के सेंदूर जना घाट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुसला रास्ते पर शेख फरीद बाबा टेकड़ी के सामने स्थित वन विभाग के जंगल में अनिल रमेश उइके नामक व्यक्ति ने
एक पेड़ के सहारे फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक वरुड के मिर्ची प्लॉट में अपनी पत्नी व 3 बेटियों के साथ रहने वाला अनिल उइके विगत लंबे समय से अपनी बीमारी से परेशान था और 3 माह पहले ही अनिल उइके ने इसी जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या का असफल प्रयास किया था। नई बस्ती बडनेरा के मिलचाल परिसर में घटित राहुल जनार्जन वसुकार हत्याकांड मामले में बडनेरा पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए सिद्धांत रमेश डोंगरे को स्थानीय अदालत में 2 दिन पुलिस कस्टडी डिमांड में रखने का आदेश जारी किया है। बता दें कि मिलचाल निवासी राहुल वसुकार विगत सोमवार की दोपहर अपने घर की ओर जा रहा था और उसने रास्ते पर थूका। इस समय सामने से आ रहे सिद्धांत डोंगरे के पाव पर थूक के छींटे पड़े, जिसकी वजह से सिद्धांत डोंगरे ने राहुल वसुकार के सिर पर लोहे के पाइप से जोरदार प्रहार किया, जिसमें राहुल वसुकार बुरी तरह से घायल हुआ था और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वलगाव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गनेडीवाल लेआउट में चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के विशेष पथक ने कल मंगलवार 6 जून की दोपहर छापा मारकर 3 जुआरियों को अपनी हिरासत में लिया तथा 27,040 रुपए का माल भी बरामद किया। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर विशेष दल के सहायक निरीक्षक महेंद्र इंगले व उप निरीक्षक गजानन राजूमल के दल ने नमूना गली 6 के मोहम्मद वसीम शेख रहीम के जुआ अड्डे पर छापा मारकर 9 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़कर नगद राशि व मोबाइल समेत कुल 1,19,960 रुपए का माल जब्त कर लिया। यह कार्यवाही मंगलवार की शाम की गई। रहीमापुर थाना अंतर्गत मुर्रा देवी गांव में मोमिन शेख कदीर शेख के घर पर जुआ अड्डा शुरू रहने की खबर पेट्रोलिंग दौरान PSI संजय शिंदे व उनके दल को मिलते ही उपविभागीय अधिकारी नायडू के मार्गदर्शन में थानेदार नीलेश देशमुख के दल ने दबिश दी। 26 आरोपियों को जुआ सट्टा एक्का बादशाह खेलते पकड़ा गया। आरोपियों से नकदी 1,55,000 के साथ ही 19 मोबाइल तथा 11 बाइक व जुआ सामग्री जब्त की जाने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। अपनी रिश्तेदार युवती के साथ प्रेम संबंध रखने वाले युवक को जान से मार देने का इरादा रखते हुए शराब पिलाने के बाद मारपीट कर अधमरा करते हुए उसे रेलवे पटरी पर लाकर डाल देने के मामले में चांदूर रेलवे पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत के तहत रखने का आदेश जारी किया है, जिसके चलते दोनों आरोपियों को जेल रवाना कर दिया गया है। इन दोनों आरोपियों के नाम गणेश बाबाराव मोरे तथा धनंजय उर्फ सोनू विजय बाबर दोनों शिवाजीनगर निवास बताए गए हैं। वही इस मामले में मोहन वासुदेव नामक तीसरे आरोपी की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। स्थानीय सेंट्रल जेल में रखे गए शुभम संभाजी गोले नामक कैदी ने आज जेल में इधर से उधर दौड़ भाग करते हुए अनुशासन भंग करने के साथ ही जेल कर्मचारी चेतन मानिक कालोड के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके चलते शुभम गोले के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जाति वैधता प्रमाण पत्र के लिए वहां के कर्मचारी दयानंद डिक्का द्वारा अपने एक सहयोगी के जरिए 8,000 रुपए की रिश्वत लेने पर LGB के दल ने रंगे हाथ पकड़ लिया। यह घटना पुराना बाईपास रोड स्थित अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जांच समिति कार्यालय के सामने मंगलवार की रात घटित हुई। ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी इलाकों में भी बिजली की आग मिचौली शुरू हुई है। मंगलवार को अमरावती शहर के बडाली कांग्रेस नगर इलाके में 8 घंटे बिजली आपूर्ति खंडित हो गई थी। इस कारण संतप्त नागरिकों ने देर रात 12 बजे के दौरान कांग्रेस नगर के महावितरण के उपकेंद्र कार्यालय में तोड़फोड़ कर अपना रोष व्यक्त किया। करीबन सैकड़ों नागरिक इस उपकेंद्र पर पहुंच गए थे। नागरिक जब महावितरण के उपकेंद्र कार्यालय पहुंचे और वहां कोई भी उपस्थित न रहने से संतप्त नागरिकों ने वहां रखे मीटर की फेंक फाक कर तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल पहुंच गया। संतप्त भीड़ को शांत कर कार्यालय परिसर से खदेड़ दिया। इस घटना के बाद देर रात 1:30 बजे विद्युत आपूर्ति सुचारू हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।